अध्याय दो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है, ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। सो उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह हमें सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं।